हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद हम अब देखेंगे गांधी इरविन समझौता और सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले देखते हैं हम अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया और रशिया के बीच जो नेवी की एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? उसका नाम है इंद्र। आप इसे कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, IND इंडिया और RA रशिया है ना, तो इंद्र किसके है? इंडिया और रशिया के बीच। अब हम देखेंगे अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ये किसके प्रयासों से हुआ था? तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयासों से हुआ था। किनके बीच? गांधी और इरविन के बीच हुआ था। तो तेज बहादुर सप्रू और एवं MR जयकर के प्रयासों की बदौलत 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता सम्पन्न हुआ, जिसकी मुख्य बातें थी इसमें देखिए, जो इरविन थे वो उन्होंने गांधी जी की जो मांगी थी उसमें से कुछ मांगे मान ली थी, पूरी नहीं मानी थी, कुछ मांगे जो थी उनकी वो मान ली थी। जैसे क्या माना था उन्होंने? सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई, कि हम राजनीतिक बंदियों को छोड़ देंगे लेकिन उन्हें नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हिंसक संघर्ष किया है, जिनने हिंसा की है, बाकियों को छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे कर जो इस समय तक ना वसूले गए हों उनकी माफ़ी, मतलब जो कर अभी हमने वसूले नहीं है उनकी माफ़ी कर देंगे। जब्त की गई जमीन की वापसी अगर इन्हें तीसरे पक्ष को बेचा ना गया हो। ठीक है, अगर सरकार ने कोई जमीन जब्त कर ली है लेकिन अगर उसे बेचा नहीं है तो वो उसको वापस कर देगी। जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्याग पर दे दिया उनके साथ नरमी का बर्ताव। क्या हुआ था कि आंदोलन के समय सरकारी कर्मचारियों ने त्याग पत्र दे दिया था, तो सरकार उनके साथ नरमी बरतेगी। तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को अपने घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार। तट के आसपास जो ग्रामीण रहते थे, गांव के लोग, वो अपने मतलब घर के यूज़ के लिए नमक बना सकते थे। शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का अधिकार। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से लोग धरना दे सकते थे। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग मान ली तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। देखिए फ्रेंड्स, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, ये जब समझौता हुआ तो सेकंड में शामिल होने के लिए कांग्रेस मान गई। ठीक है, सेकंड गोल में सम्मेलन में, और उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग मान ली। हालांकि कांग्रेस द्वारा पुलिस की जातियों की जांच के लिए जांच समिति की मांग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। देखिए क्या हुआ था ना, कांग्रेस ने कहा था कि पुलिस ने जो जात मतलब लोगों के साथ जाति की है, बुरा व्यवहार किया, उसकी जाँच की जाए, एक जाँच समिति बनाई जाए, तो इस मांग को नहीं माना गया। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली समझौता क्या है, कभी कभी दिल्ली समझौता आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गांधी इरविन समझौते को ही दिल्ली समझौता कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी प्रदान करने हेतु 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन सम्पन्न हुआ। तो देखिए, जो गांधी इरविन समझौता था जिसको दिल्ली समझौते को ही कात कहते थे, गांधी इरविन समझौता, तो इसको मंजूरी देने के लिए कांग्रेस में कौन सा अधिवेशन हुआ? कराची अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस ने कराची में अधिवेशन किया। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, कांग्रेस ने दिल्ली समझौते पर अपनी मंजूरी दी। जो कराची अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस ने दिल्ली समझौते को मंजूरी दे दी और पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए है। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया। देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो हम बाद में नहीं कर पाते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया था। कौन से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को कौन से अधिवेशन में पारित किया गया, तो कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन में ही क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को दोहराया गया था। ठीक है, ये चीज़ें हमें ही बहुत कोई तोप नहीं एग्ज़ाम, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, तो हम एग्ज़ाम्स को कर लेंगे। इसके बाद देखिए, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 को, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, इसमें किसने भाग लिया था? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग ने सम्मेलन में भाग लिया था, इन लोग ने सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने सेकंड जो द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसमें भाग लिया था। तो देखिए क्या हुआ, अंबेडकर ने इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, गांधी जी ने विरोध किया था। ठीक है, जो BR अम्बेडकर जी थे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए है, मतलब तो जो गांधी जी थे उन्होंने कहा
उन्हें मतलब उनने इस चीज का विरोध करा कि ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, 1935 के अधिनियम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो 1935 का जो अधिनियम था फ्रेंड्स, उसकी रूपरेखा इस सम्मेलन में प्रस्तुत की गई। देखिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, अगर ये पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। और कांग्रेस ने सिर्फ सेकेंड अधिवेशन में ही भाग लिया था। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे सेकेंड दलित सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1932 से 1934 तक। जनवरी 1932 में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, पहले आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, तो जनवरी 1932 में कांग्रेस ने क्या किया, दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। इस बीच देश में अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी कांड, कृषि उपजों के दाम गिर गए, लगान और मालगुजारी का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया। ठीक है, उस समय क्या आई थी, देश में एकदम मंदी आई थी उससे पहले, तो उसके कारण क्या हुआ था, जो कृषि की उपज थी उसके प्राइस काफ़ी कम हो गए थे, तो किसानों में वैसे ही असंतोष फैला हुआ था। ठीक है, लगान और मालगुजारी का बोझ उन पर खूब ज़्यादा, लगान टैक्स लिया जाता था और मालगुजारी, इसके कारण क्या था, उन पर काफ़ी बोझ आ गया था, तो उनमें वो लोग मतलब काफ़ी असंतोष था उनके बीच। देखिए आंदोलन शुरू होने के शीघ्र बाद शीर्ष नेताओं गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफार का पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत में आदि को गिरफ्तार कर सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो जो इम्पोर्टेंट नेता थे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफार खां, ठीक है, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो कांग्रेस थी उसको सरकार ने कहा ये गैर कानूनी संस्था है, ठीक है, उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया। तो जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इसका दमन कर दिया था। आपातकालीन शक्तियों से संबंधी अध्यादेश सरकार द्वारा निकाले गए, ठीक है, सरकार ने आपातकालीन जो उनकी शक्तियाँ थी उससे संबंधित अध्यादेश निकाल दिए। इससे क्या होता है, देखिए आपातकाल में सरकार के पास काफ़ी शक्तियाँ आ जाती हैं, तो इससे सरकार के पास काफ़ी शक्तियाँ आ गई कार्य करने की। प्रदर्शनकारियों तथा सत्याग्रहियों पर लाठियों से प्रहार किए गए, गांवों में करना अदा करने वाले किसानों की जमीन, पशु, मकान आदि को जब्त कर लिया गया। ये सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ तो सरकार ने एकदम बहुत ज़्यादा दमन करा, ठीक है, सबको गिरफ्तार कर लिया और लोग को, देखिए प्रदर्शनकारी और जो सत्याग्रही थे उन पर खूब, उन्हें लाठियों से उन पर प्रहार किया गया। गाँवों में क्या किया, जो किसान टैक्स नहीं दे रहे थे उनकी जमीन, उनके पास जो पशु थे, उनके मकान, उनको जब्त कर लिया। सरकार ने दलित सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रमुख नेताओं समेत बड़ी संख्या में, कुछ स्रोतों में यह संख्या 1 लाख से ऊपर बताई गई है, लोगों को जेल भेज दिया गया और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस आंदोलन में जेल भेजा गया। तो देखिए अप्रैल 1934 में गांधी जी ने दलित सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो क्या हुआ था ना कि काफ़ी ज़्यादा हिंसा की वजह से और सरकार के क्रूर दमन की वजह से गांधी जी ने इसको जल्दी ही स्थगित कर दिया। ये ज़्यादा नहीं चला था सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स नेताओं के बीच सांप्रदायिक मुद्दे पर विवाद के कारण और काफ़ी ज़्यादा सरकार के दमन के कारण यह आंदोलन बहुत जल्दी ही मतलब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।